उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल को लेकर क्या क्या इंतजाम कर दिए हैं? इस वक्त हमारे साथ फेलेक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं डीके गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, सरकार के निर्देशानुसार जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो कोविड या नॉन कोविड, उन सबको अपनी मॉक ड्रिल करके सुरक्षा की चेक करने की तैयारियां कैसी हैं। हमारा फेलेक्स हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है और पहले से भी हम लोग मुस्तैद रहे। इसमें तरीका ये है कि जो भी आपका एंट्री और एग्जिट गेट होता है, वहाँ पे आपको जो गार्ड्स खड़े होकर जो भी मरीज जा रहा है, जो भी तीमारदार जा रहा है, उसकी हम जांच करते हैं, स्वास्थ्य जांच करते हैं। जैसे खड़े हुए तो हमारा थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे और टेम्परेचर चेक करने के बाद देखेंगे कि मुझे बुखार है नहीं, और साथ में मुझसे पूछेंगे कि आपको खांसी जुकाम बुखार है, गले में दर्द है या नहीं है। अगर है तो मुझे बोलेंगे कि आप, अगर ऐसा कोई सिम्टम्स है तो मुझे बोलेंगे कि आप फीवर क्लिनिक में जाइए। सामने फीवर क्लिनिक है, फीवर क्लिनिक में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और स्टाफ बैठा हुआ है, वहाँ पे वो कोविड की जांच करेगा। अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो हमको कोविड के जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वहाँ भेज देते हैं, अगर कोविड नेगेटिव है तो अस्पताल के अंदर भेजते हैं। लोग डरे हुए हैं? नहीं, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमारे देश में तैयारियां बहुत अच्छी हैं। ठीक है, हमारे देश में सब लोगों ने वैक्सीन ली हुई है, ज्यादातर लोग ने सबने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीख लिए हैं। तो मैं सबसे अनुरोध यही करूंगा कि जब तक 2-3 हफ्ते, जब तक ये थोड़ा सा अभी गहमा गहमी, जब तक थोड़ा चीजें क्लियर नहीं है कि किस तरह से हो सकता है फ्यूचर, तो तब तक आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। अपने हाथ बार बार साफ करने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, मास्क को अप करना है, साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, कार से छींकते समय मास्क का या कोनी का इस्तेमाल करें, और अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, खांसी जुकाम बुखार आता है, तो अपने को क्वारंटाइन करें, टेस्ट कराएं, और टेस्ट पॉजिटिव भी आता है तब भी घबराने की बात नहीं, तो अपने को आइसोलेट करें और बिल्कुल बाकी लोगों से बचे रहें। भारत में चौथी लहर आने की आशंका है? बहुत कम है आशंका, नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारियां पूरी करनी चाहिए, गियर्स डाउन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ डीके गुप्ता जी थे, और क्या क्या इंतजाम आप देख सकते हैं, और एक बार फिर से कहें तो लोगों को सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कड़े इंतजाम है वो किए गए। अभी भी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके जो थर्मल स्कैनिंग है वो की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति के मास्क है वो पहना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज सभी प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल है वो रखी जी। आखिर भविष्य में अगर चौथी लहर आती है उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए इंतजाम है वो सभी अस्पतालों में किए गए हैं। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, नोएडा।